चाइना को मिलेगा साउथ चाइना सी पे जवाब। भारत ने कर दिया खेल और इंडिया के दो एयरक्राफ्ट कैरियर हुए ऑपरेशनल। तो आइए जानते पूरी खबर को डिटेल में। क्या आप इंडिया के डिफेंस से जुड़े न्यू वीडियो सबसे पहले पढ़ना चाहते हो तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी पर भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहा है। पहले फिलीपींस के बाद अब वियतनाम 625 मिलियन यूएस डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीद रहा है। भारत पहले जब साउथ चाइना सी पे मौजूद फिलीपींस को एक ब्रह्मोस मिसाइल बेचा था तब चाइना बहुत तिलमिलाया हुआ था क्योंकि रशिया और भारत का बनाया हुआ इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का कोई तोड़ चाइना के पास मौजूद नहीं है। मतलब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इस ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ नहीं सकता है और अब इस मिसाइल को साउथ चाइना सी पे मौजूद और एक देश वियतनाम को भी बेच रहा है, जिससे चाइना का क्या रिएक्शन होगा आप सबको तो पता ही चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा एक वीडियो और कुछ फोटो जारी किया गया है जहां पर से साफ साफ देखा जा रहा है कि इंडियन नेवी का दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो गया है जिसको असिस्ट कर रहा है 6 वॉरशिप्स जिसमें 4 डिस्ट्रॉयर, 1 फ्रिगेट और 1 रिफ्यूलर शिप्स भी शामिल है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर का एक डेक फुल्ली भरा हुआ है जिसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ MX-60R, HL चेतक, HL ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी देखा जा रहा है। लेकिन INS विक्रांत में एक रडार की कमी है। इस रडार की कमी होने के कारण भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा रहा है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर एक एयर डिफेंस सिस्टम से लेस है जिसमें इजरायली बराक 8 मिसाइल की 32 यूनिट मौजूद होने के साथ साथ दो एयरक्राफ्ट को असिस्ट कर रहा 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स फुल्ली ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड है। उसके कोई चिंता का विषय तो नहीं है लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में बाद में जब रडार फुल्ली लग जाएगा तब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल पोटेंशियल में ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।